भजन संहिता अध्याय 45। भजन संहिता अध्याय 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा विभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर जो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजाओं के शत्रुओं के हृदय उनसे छीदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तज से सुगंधित है। तू हाथीदांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरी दहिनी ओर पटरानी ओपिर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों को और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सूर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कढ़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंच जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंद और मगन होकर पहुंचाई जाएगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरा नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे।